जिला डोडा के भद्रवा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेख मुजीब अली के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। कतार, चिंता और किलाड़ क्षेत्र से लगभग 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। खराब सड़क कनेक्टिविटी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हुए पार्टी का दामन थामा। वहीं शेख मुजीब ने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, वो निकट भविष्य में इसके परिणाम देखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित DDC चुनाव में देखा जाए तो जिले में 43,000 से अधिक ज्यादा वोट मिले हैं। लोग कांग्रेस के साथ हैं। हम अपनी नई समितियों को ब्लॉक स्तर तक दोनों स्तर से ही सही बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रिय नेता गुलाम नबी आजाद के द्वारा किए गए विकास कार्य मील का पत्थर है और कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो ही होंगे। लोगों ने BJP के खोखले वादे और राष्ट्र की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने का काम किया है। लोग अब सब देख रहे हैं, किसान आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है, बेरोजगारी सातवें आसमान पर है, अर्थव्यवस्था सबसे खराब स्थिति में है। वहीं उन्होंने NC पर हमला बोला कि वो BJP के साथ मिलकर नया षड्यंत्र रच रही है। इससे सरदंगल से, सुंगली से, उसके बाद कैलाड़ से बड़े अच्छे लोग, जो तजर्बाकार लोग आए, उन्होंने ज्वाइन किया और हमारे चिंता से अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया। इसमें हमारे कुछ भद्रवा से, प्रॉपर भद्रवा से भी अच्छी ज्वाइनिंग हुई और ख़ासकर BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस और रिटायर्ड पर्सन, जबकि मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनका काफ़ी तजर्बा होता है और ख़ासकर वो रिटायर्ड लोग जो ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड हो, डेडिकेशन उनकी हो टुवर्ड्स उनके जॉब के लिए डेडिकेशन हो और उनका एक नेटवर्क अच्छा होता है, उनकी एक अच्छी छवि होती है, वो आने वाले वक्त के लिए पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है। देखिए आज कांग्रेस ने इस मंच से एक जो प्रोटेस्ट दायर की थ्रू मीडिया की ओर से, हमने एक प्रोटेस्ट दायर की कि जो किसान है, वो किसान जिसके खिलाफ 3 बिल पास हुए हैं, ये ड्रैकोनियन लॉ है, जो इनको हम ड्रैकोनियन लॉ बोलेंगे, जो इनके खिलाफ पास हुए हैं, वो किसान जो हिंदुस्तान को पालता था, जो हमारे बच्चों को पालता था, वो किसान जो पूरे हिंदुस्तान की सिस्टम को चलाता था, आज वो किसान सड़कों पे आ गया है और आज की डेट में वाहिद एक कांग्रेस है जो पूरी सपोर्ट किसान की कर रही है और किसान के साथ पूरी आम जनता है और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी तरह भी इन बिलों को वापस लिया जाए ताकि फिर से हमारा जो मुल्क एक तरक्की राह पे निकले और किसान जो है बेचारा वो अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से अपने घर को चलाए और लोगों को जी बहुत अच्छा लग रहा हमें। और एक्चुअली ये हमारे वर्कर्स ने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया तो, और दूसरी ये बात है कि लोग जो है तो लोग इस वक्त परेशान हैं, लोगों की मसाइल हैं, लोगों की परेशानियां हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग जो है तो अभी तो मैं ये कहता हूँ ट्रेलर है, अब अभी आगे देखते जाइए, जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आएंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस के अंदर जुड़ने वाले हैं और ये कांग्रेस का जो है तो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड है और कांग्रेस के जो काम है, हम 70 से बाहर भी हैं लेकिन तब भी जो है तो कांग्रेस वक्त लोगों के साथ है, लोगों के साथ खड़ी है, लोगों के काम कर रही, इसलिए लोग हमारे साथ काफ़ी जुड़ रहे हैं।